Good morning students, it's a video of computer subject for class 7th and today we will do the discussion about binary multiplication. How we can do multiply two binary numbers in this video we will see. Okay, in case of mathematics, multiplication and binary multiplication is different. Okay students, let's start. The rule for multiplication in binary number system has the same as for decimal number system. But जो decimal number system है हमारा और हमारा binary number system है उनका जो multiplication है that is a same. Okay? क्या क्या rules होते हैं वो देखिए. देखिए जीरो से जीरो की जब multiply करेंगे तब आपको जीरो मिलेगा. जीरो की multiply वन से करेंगे ये भी math भी हमारा ऐसे करता है. बट वन की multiply जीरो से करेंगे तो जीरो और वन की से multiply करेंगे तो आपका आंसर वन आएगा. ओके, तो आपको एक ही केस में केवल वन मिलेगा, दैट इज जब वन और वन की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वन मिलेगा. ठीक है, ऐड केयरफुली द एंड सॉरी ऐड केयरफुली एट द एंड टू गेट द करेक्ट रिजल्ट ऑफ द बाइनरी मल्टीप्लिकेशन. आपको केयरफुली क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा करेक्ट रिजल्ट. ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं. दो नंबर है हमारे पास 1001. फर्स्ट नंबर है 1001 एंड सेकंड जो नंबर है हमारा 1. इसकी मल्टीप्लाई करना तो सिंपली क्या करना है, वन डिजिट की मल्टीप्लाई पहले इस डिजिट से करें. वन की मल्टीप्लाई वन से वन, वन की मल्टीप्लाई जीरो से जीरो, जीरो एंड वन. अगेन वन की मल्टीप्लाई से करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा. आफ्टर दैट जैसे मैथ में करते हैं वैसे यहाँ पे सॉरी एडिशन कर देंगे तो वन जीरो वन वन जीरो 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 वन वन एंड वन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेकेंड एज ए होमवर्क है आपके लिए, उसको करिए. एंड इसका थर्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं. मल्टीप्लाई द बाइनरी नंबर्स, दो बाइनरी नंबर सिस्टम है हमारे, एक 1010 जो सेकंड हमारा नंबर है वो थ्री डिजिट का है दैट इज़ अ 110. तो सिंपली क्या करेंगे, जीरो से मल्टीप्लाई किसी के करेंगे आपको जीरो, वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका सेम डिजिट. फिर अगेन आफ्टर दैट डू द एडिशन एंड यू गॉट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ बाइनरी नंबर्स. ओके, फोर्थ डू एज ए होमवर्क. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज बाइनरी डिवीजन. द रूल फॉर बाइनरी डिवीजन आर द सेम एज फॉर द डेसिमल नंबर सिस्टम. जो बाइनरी नंबर का डिवीजन है और डेसिमल नंबर सिस्टम का डिवीजन है दैट इज दैट इज अ सेम. ओके, लेट्स सी हाउ कैसे सेम है उसको हम देखते हैं. जीरो को वन से डिवाइड करेंगे तो आपका जीरो, वन को वन से डिवाइड करेंगे जाएगा डिवाइड करेंगे तो वन, और वन से जब हम जीरो को डिवाइड करेंगे दैट कंडीशन पर आपका जो रिजल्ट आएगा वो नाइन नॉट डिफाइंड होगा. फिर ये डिफाइंड नहीं किया डिस्टेंस. इसका एक एग्जांपल से इसको देखते हैं. डिवाइड द नंबर्स, फर्स्ट नंबर हमारा है 1010, इसको डिवाइड करना है वन वन से. ओके, तो सिंपली डिवाइड करेंगे हम इसको. ओके, देखिए कैसे डिवाइड करेंगे. अलावन टू डिजिट का नंबर है, ये 10 हमारा टू डिजिट का नंबर है. ठीक है, सिले से तो हम थ्री डिजिट लेंगे तो 100 हो जाएगा, 11 बन जाए 11. ओके, तो 11 जब आएगा इसमें से जीरो से वन माइनस प्लस नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्शन का रूल होता है. यहाँ से आप क्या करेंगे, कैरी लेंगे, कैरी जब लेंगे तो यहाँ पे कितना होगा तो 110 हो जाएगा. 10 में से जब वन लेस करते हैं तो क्या बचता है 1. ओके, यहाँ पे आप क्या करेंगे, वन में से वन को लेस करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, अगर तो आपने कैरी ले लिया आगे नंबर कॉपी कर लेंगे तो कितना जाएगा 11, 11 बजे 9. ओके, अब जो जीरो आपका यहाँ पे बचा हुआ है इसको आप इधर कोशेंट में ऐड कर देंगे. दैट इज़ योर कोशेंट ऑफ बोथ माई नंबर्स. ओके, क्वेश्चन सेकेंड एंड थर्ड डू एज अ होमवर्क. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन कमेंट ऑन दिस वीडियो. ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल टुडे एंड थैंक यू.